अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत पैसा कश्मीर में खर्च होता था, कश्मीर में 370 आर्टिकल था, उसको भी हटा करके कश्मीर को, श्रीनगर को हमारे भारत में विलय कर दिया। आज हमारा लक्ष्य है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को, पीओके को हम उसको ले और पूरा कश्मीर भारत का हो और भारत माता की जय हो। इस काम को मोदी जी ने बखूबी किया। दुनिया के अंदर लोग डर रहे थे कि 370 खत्म हो जाएगा तो कश्मीर में रक्तपात होगा। सारी विरोधियां पार्टी विरोध कर रही थी, पर अमित शाह जी ने और मोदी जी ने साहस दिखाया और वो करके दिखा दिया जो पहले कोई कर नहीं सका। उन्होंने 370 हटाया और इसके साथ साथ जिन देशों ने विरोध किया था, केवल दो देशों ने, टर्की और मलेशिया, उनको भी करारा जवाब दिया और बाकी दुनिया भारत के साथ खड़ी रही कि ये भारत का आंतरिक मामला है। 370 हटता है तो कश्मीर भारत के अंदर उसका विलय है। ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि, इंटरनेशनल उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। मोदी जी के हाथ मजबूत तब होंगे जब हम कमल का बटन दबाएंगे और यहां से डॉक्टर लुईस मरांडी जी को विजय बनाएंगे, तब मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। आपके झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों का जाल बिछाया, गांव गांव को सड़क से कनेक्ट कर दिया। यहां पर विकास बढ़ता गया और हमें विकास चाहिए। मुझे याद आया जब भगवान शबरी के पास जाते हैं तो शबरी ने कहा, प्रभु मैं तो बहुत छोटी जाति की हूं, अधम से अधम, अधम अति नानी। भगवान कहते, शबरी ये जात पात और कुल की बड़ाई से मेरा कोई मतलब नहीं है। तुम क्या हो मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा नाता केवल भक्ति से है। और भगवान का संबंध भक्ति से होता है और भगवान ने शबरी का उद्धार कर दिया। और क्या उदाहरण प्रस्तुत किया दुनिया के सामने कि पंपा सरोवर गंदा था। प्रभु राम ने कहा ऋषि मुनियों से, आप तो बड़े तपस्वी हो, बड़ी साधना आपने की है, बड़ा ज्ञानार्जन आपने किया है, अपने चरण डालो और इस पंपा सरोवर को पवित्र कर दो। ऋषि मुनियों ने चरण डाले पर पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। प्रभु राम ने कहा, अच्छा मैं भी चरणों को डालता हूं। प्रभु राम ने चरण डाले पर पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। प्रभु राम शबरी से कहते हैं, शबरी अब तो तुम ही बची हो, ये ऋषि मुनियों ने भी चरण डाल दिए, मैंने भी अपने चरण डाल दिए, अब तुम अपने चरण डालो। बिल्ली बहुत सच्चाई, बहुत डर गई, पर जब भगवान ने आग्रह किया तो बिल्ली ने अपने चरण डाले और बिल्ली के चरण डालते ही सारा पंपा सरोवर निर्मल बन गया। किसी ने कहा, भाई ऋषि मुनियों ने चरण डाले, अरे पंपा सरोवर पवित्र क्यों नहीं हुआ। तो एक विद्वान व्यक्ति था, उसने कहा, ऋषि विद्वान तो है पर एक ऋषि दूसरे ऋषि से ईर्ष्या करता है, उसके अंदर नेगेटिविटी है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, इसके कारण वो पंपा सरोवर को पवित्र नहीं कर पाया। तो कहा, भी प्रभु राम ने चरण डाले, तो कहा, प्रभु राम नहीं,
राक्षसों का वध कर रहे थे, तामस वृत्ति की प्रधानता थी कि राक्षसों को मार, इसलिए प्रभु राम जी पंपा सरोवर को पवित्र नहीं कर पाए। शबरी के अंदर ये क्षमता कैसे आई, क्योंकि शबरी सबकी सेवा करती थी, शबरी के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं थी, शबरी के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं थी, शबरी के अंदर कोई द्वेष नहीं था, शबरी के अंदर केवल सेवा। और उस सेवा भाव के कारण शबरी ने सारे पंपा सरोवर को पवित्र कर दिया। तो आज ये सेवा का अवसर हमने डॉक्टर लुईस मरांडी जी को देना है, ताकि क्षेत्र की सेवा कर सके और इसका विकास कर सके। मैं आगे देख रहा था, लगभग 2 लाख किलोमीटर के करीब उन्होंने सड़कें बनाई थी, कितने शौचालय बनाए, कितना विकास का काम किया। ये क्रम नहीं टूटना चाहिए,